खबर पलामू जिले के मेदिनीनगर सदर प्रखंड ग्राम पंचायत कोड़िया से है, जहां कोड़िया निवासी पूरन सिंह की मृत्यु बाढ़ में बह जाने से हो गई। लगातार 36 घंटे की बारिश से छोटे छोटे नदी नालों से लेकर बड़ी बड़ी नदियां भी उफान पर थी। भारी बारिश की भयावह स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी करते हुए लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने एवं नदी नालों आहार तालाबों से दूर रहने की अपील की थी। झारखंड सरकार के द्वारा तो स्कूल एवं कॉलेजों को अवकाश भी घोषित कर दी गई थी। 45 वर्षीय मृतक पूरन सिंह अपने पीछे पत्नी सहित 3 बेटियां एवं 2 बेटों का भरा पूरा परिवार छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गए। घर में परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। मृतक मेहनत मजदूरी एवं खेती बाड़ी करके परिवार का भरण पोषण किया करते थे। आपको बताते चले, प्रत्येक दिन की भांति आज भी मृतक पूरन सिंह इस नाले की ओर 5:30 बजे शौच के लिए निकले थे। उस समय भी बारिश हो रही थी। खेती गृहस्थी का समय है, घर के परिवार और बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। लगभग दोपहर के 3 बजे मृतक पूरन सिंह का शव बरनचुआ नाले में पानी से ऊपर हाथ देखा गया। गांव के युवकों ने खबर मिलते ही उस स्थल पर पहुंचे और जब निकाला गया तो पूरन सिंह के रूप में पहचान हुई। सबों का मत है कि पूरन सिंह की मृत्यु बाढ़ में बह जाने से हुई है। कारण तत्काल इसकी सूचना सदर थाना को दी गई। सदर थाना से एसआई नबी अंसारी अपने दल बल के साथ कोड़िया पहुंचे और जांच पड़ताल की सारी प्रक्रिया को पूरा करते हुए लोगों से बयान लेकर शव को अपने कब्जे में ले पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेज दिया। मौके पर उपस्थित युवा समाज सेवी सह मेदिनीनगर भंडारिया भावी विधायक प्रत्याशी अजय सिंह चेरो, क्षेत्रीय जिला परिषद प्रति अर्जुन सिंह चेरो, मेदिनीनगर सदर उप प्रमुख चेरो शीतल सिंह निराला, समाज सेवी टाइगर राम, त्रिपुरारी सिंह चेरो, नंदू सिंह चेरो सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने उपस्थित थाने के अधिकारियों से निवेदन पूर्वक यह गुहार लगाया है कि मृतक परिवार को मुआवजे की राशि दिलाने में अपना सहयोग अवश्य करें। चूंकि लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से आए तेज बाढ़ में डूबने के कारण पूरन सिंह की मृत्यु प्राकृतिक हादसे से हुई मृत्यु पर द न्यूज रेवोल्यूशन जिला प्रशासन पलामू से यह मांग करती है कि मृतक के परिजनों को आपदा प्रबंधन के तहत मुआवजा दिया जाए व प्रखंड विकास पदाधिकारी तत्काल आपातकालीन राहत कोष से उनके परिजनों को सहायता प्रदान करें। मेदिनीनगर से द न्यूज रेवोल्यूशन संवाददाता की रिपोर्ट। पता चला कि कुछ लड़का लोग हाथ देखा और तो फोन करके बताया दूसरे को, तो हमने देखा कि इनका केवल हाथ दिख रहा था और पानी में पूरा शरीर इनका डूबा हुआ था, दोनों हाथ दिख रहा था जी। देखे तो अब हल्का मतलब इनका टी शर्ट दिखा था, हमको शक लगा कि मतलब यही करते हैं, जाकर के अंदर घूम करके उनको पानी दिखा। आज कम बारिश में बनरचुआ नाला जो है उसमें आज अधिक बाढ़ आने से कोड़िया निवासी पूरन सिंह का उस बाढ़ में बहने से मृत्यु हो गया। उपायुक्त पलामू से यही आग्रह करेंगे कि आपदा प्रबंधक द्वारा इन्हें सरकारी लाभ दिलाने का कृपा करेंगे। एक मजदूर व्यक्ति हैं पूरन सिंह, जो ये लोग डाल्टनगंज में रेक पॉइंट में जो है काम करते थे और आज अपना कदई करने गए थे, जो कि कदई के पीला के बाद चल गए नाला पर गोड़ हाथ धोने। इसी क्रम में जो है बाढ़ इनको बहा दिया और इनको मृत्यु हो गया। पलामू उपायुक्त से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रबंधक द्वारा इन्हें जो मुआवजा है इनको मिलना चाहिए।